सो हे गाइस, न्यूज़ बॉय हियर। तो फिर से हम बात करते हैं पुनीत सुपरस्टार के बारे में। तो क्या पुनीत सुपरस्टार ने बहुत सारे बड़े यूट्यूबर्स को एक्सपोज कर दिया, एंड ऑल्सो क्या कैरी मिनाटी ने पुनीत सुपरस्टार को कॉल किया था उनके एक वीडियो के लिए एंड पुनीत सुपरस्टार ने वो रिजेक्ट कर दिया, ये सब चीजों के बारे में वो एक पॉडकास्ट में बात की। सबसे पहले तो पुनीत सुपरस्टार बताते, जो अमित भड़ाना है, भुवन बाम है, राउंड 12 है, एलविश यादव है, कैरी मिनाटी है, इनका कोई फेस वैल्यू नहीं है। वो कहते हैं आजकल बहुत सारे लोग फेक सब्सक्राइबर्स, फेक व्यूज भी ले रहे यूट्यूब पर आकर, उनको नीचे खड़ा कर दो, कोई नहीं जानता। 100 लोग अगर होंगे नीचे तो 2 लोग भी उनको नहीं पहचानेंगे, जिसकी फेस वैल्यू है आज की डेट में वही हीरो है, ब्रांड है। तो जो पॉडकास्ट के होस्ट है वो कहते हैं बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे रहे हो आप। तो उसका पुनीत सुपरस्टार रिप्लाई करता है, कंट्रोवर्सी क्या है, जो सच्चाई है वो बता रहा हूं। कौन जानता है कैरी मिनाटी, अमित भड़ाना, राउंड 12, एलविश यादव को। फिर वो बात करते हैं कैरी मिनाटी के बारे में। कैरी मिनाटी ने उनको एक वीडियो के लिए कॉल किया था, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। वो कहते हैं कैरी मिनाटी ने मुझे 12-13 बार फोन किया था, उसने मुझे बोला कि हमें ना कुछ कंट्रोवर्सी करनी है और कुछ यूट्यूबर्स है उनको गाली गलौज करनी है। मैंने फिर कैरी को बोला मैं गाली गलौज नहीं करता हूँ, मैं कंट्रोवर्सी करता हूँ। तो जो होस्ट कर रहे थे वो बोलते हैं दीपक कलाल के साथ कर लिया फिर आपने। तो उसका पुनीत सुपरस्टार रिप्लाई करते हैं नहीं, दीपक कलाल के साथ मैंने कभी माँ बहन का गाली नहीं दी, मैंने सिर्फ नॉर्मली चीजें बोली है, लेकिन मैंने कभी सोशल मीडिया पे आके माँ बहन की गाली नहीं दी, ना मैंने कुछ ऐसा बोला जिससे पब्लिक मुझे हेट करने लगे या पब्लिक ये बोले कि यार अब पुनीत सुपरस्टार बोरिंग हो गया। फिर वो कैरी के बारे में बोलते हैं आजकल कितने लोग गाली देते, कैरी मिनाटी ने अपने रोस्ट में व्लॉग में कितना गाली दिया, लेकिन भाई मैं नहीं देता। तो मुझे जब उसने फोन किया और बोला कि ऐसा ऐसा करना है, गाली देना यूट्यूबर्स को, तो मैंने बोला मैं गाली वाली नहीं दूंगा। तो उसने बोला ठीक है भाई, फिर हम तुम्हें नहीं बुला सकते। तो मैंने कहा ठीक है भाई, नहीं बुला सकते तो मत बुला। और रिसेंटली आपको पता होगा पुनीत सुपरस्टार का न्यूज कि उनको हार्ट आ गया था। हर भाई जोगिंदर काफी सारे वीडियोस बनाए थे, वो अपडेट्स दिए थे। तो क्या वो फेक कर रहे थे वो पब्लिसिटी के लिए और ज्यादा वायरल होने के लिए? उसके बारे में जब होस्ट ने उनसे पूछा तो बोले मैं एक्चुअल में एडमिट हुआ था, हार्ट अटैक नहीं, मैंने कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पी लिया था तो चेस्ट पे बहुत पेन था, तो जोगिंदर मेरे साथ था तो वो हॉस्पिटल ले गया था मुझे। डॉक्टर ने फिर कहा था 2-3 दिन यही रुक जाओ। नॉर्मल चीज थी, कोई बड़ी चीज नहीं थी, लेकिन जेन्युइन थी। सो ऐसे ही सब वो बताए, और भी कई सारी चीजों के बारे में वो बात किए। क्या सोचते हो आप लोग इसके बारे में, कमेंट करके जरूर से बताना। एंड हां, अगर आपको पूरा पॉडकास्ट देखना चाहते हो तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके देख सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि रजत दलाल के बारे में। तो रजत दलाल को 2-4 लोगों ने कॉल करके उनके मम्मी पापा को गाली दिया, जिसके वजह से रजत दलाल काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। तो रजत दलाल आपको पता होगा फिटनेस सीन में, तो कई सारे लोगों ने उनका फिटनेस कोचिंग का कोर्स लिया हुआ, लेकिन अभी क्या हो रहा है उनका एक और इंस्टाग्राम अकाउंट है जिसका एक्सेस उनके पास नहीं है, जिससे ऑफकोर्स इन्होंने कोर्स लिया पैसे दे के उनका तो लॉस हो रहा है। अभी बहुत सारे लोग तो कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन 2-4 लोग कॉल करके रजत दलाल के मम्मी पापा को गाली दे दी। इसी को लेकर रजत दलाल काफी ज्यादा गुस्सा हो गए वो 2-4 लोगों के ऊपर। वो क्या कहे आप खुद देखिए। एक छोटी सी अपडेट है सारे कोचिंग के क्लाइंट्स के लिए। भाई मेरे पास ट्रेंड बाय रजत वाले अकाउंट का एक्सेस नहीं है, और किसी वजह से मेरे पास इस टाइम डाटा कुछ भी अवेलेबल नहीं है जो पिछला पुराना था, पर होपफुली 7-8 दिन के बीच में मेरे को वो चीज मिल जाएगी, तो मैं खुद से सबको रीच आउट कर लूंगा। और मीनवाइल जो भी किसी का नुकसान हुआ है टाइम वगैरह का, वो देख लेंगे कैसे कंपनसेट करना है। और 2-3 लोग थे जिन्होंने मेरे मम्मी पापा को बहुत उल्टा सीधा बोल दिया था फोन करके, तो उन लोगों के लिए स्पेशल है कि ना तो आपको रिफंड मिलेगा ना आपको रिवर्ट मिलेगा, आप जो चाहे वीडियोस बना सकते हो, कह सकते हो, कर सकते हो। बाकी भाई तहे दिल से सॉरी, मेरी किसी वजह से आप लोगों की ट्रेनिंग में कुछ भी अगर अफेक्ट हुआ हो तो मैं जल्दी रीच आउट कर लूंगा सबको। ख्याल रखो भाई, थैंक यू। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं, नेजी वर्सेस मुनावर फारूकी के बारे में। तो नेजी ने फिर से रिप्लाई दे दिया मुनावर फारूकी को। तो नेजी आपको पता होगा बिग बॉस OTT Season 3 के रनर अप है। तो जब वो कॉन्टेस्टेंट थे, मुनावर फारूकी गए थे बिग बॉस के घर में एज ए गेस्ट, जहाँ पे उन्होंने बहुत सारे कॉन्टेस्टेंट्स का रोस्ट किया था, वहीं पे उन्होंने नेजी का भी रोस्ट किया था, जिसको लेकर काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी भी हो गया था। उन्होंने कहा था बिग बॉस राशन इसलिए कम भेजते हैं ताकि नेजी को हमेशा घर जैसा फीलिंग आए। यहाँ पे मुनावर फारूकी नेजी को उनके फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर रोस्ट किए, जिसके बाद नेजी के फैंस काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुआ था ट्विटर पे, काफी सारे ट्वीट्स वगैरह किए जा रहे थे मुनावर के अगेंस्ट में। इसी के ऊपर नेजी ने रिसेंटली रिप्लाई भी दिया था, लेकिन एक और इंटरव्यू में रिसेंटली नेजी रिप्लाई दी। वो कहे मैं उसके बारे में क्या कहूं, मैंने तो उसको माफ कर दिया, और जो जोक उसने मारा उससे पता चलता है कि वो इंसान किस तरह की सोच रखता है, उसका ही नुकसान है। लोगों को पता चलेगा कि भाई ये तो जोक के नाम पे कुछ भी बोल रहा है और किसी भी हद तक जा रहा है। मतलब लोगों को हंसाना जरूरी है, लेकिन इतना भी जरूरी नहीं है कि किसी को तुम गम दे दो, किसी को तुम चोट पहुंचाओ और फिर लोग उसका मजाक बना के हंसे, तो वो भी सही नहीं है। जो नेजी ने रिप्लाई दिया मुनावर फारूकी को, अगर तो आप देखना चाहते हो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पे मुनावर फारूकी की बात हो रही, तो बात करते हैं उनके ही बारे में। तो उन्होंने फिर से ट्रोल कर दिया एलविश यादव को। कल था फ्रेंडशिप डे, तो समय रायना अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पर लिखते हैं मुनावर को विश करना रह गया, एंड वो एक फोटो पोस्ट कर देते जहाँ पे आप देख सकते हो एलविश यादव मुनावर फारूकी को हंस के हग कर रहे। इसको लेकर भी काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी हुआ था आपको पता होगा, एंड फिर वो मुनावर को कहते हैं हैप्पी फ्रेंडशिप डे भाई। उसी ब्रॉडकास्ट चैनल पर मुनावर फारूकी भी है, तो वो लिखते हैं ये फादर्स डे पे विश करता रे।
यहाँ पे वो इनडायरेक्टली बता रहे वो एल्विस यादव के बाप है। तो उसका समय रायना रिप्लाई करते हैं ये ग्रुप बंद हो जाएगा कल तक, गुड नाइट। और यहाँ पे एल्विस यादव को बात करें तो बात करते हैं अदनान 07 के बारे में। तो अदनान 07 ने उनके भाई ने एक डिस्ट्रैक्ट निकाल दिया एल्विस यादव के अगेंस्ट में। यस, अगर तो आप वो डिस्ट्रैक्ट देखना चाहते हो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके देख सकते हो। और जो रिसेंट का एल्विस यादव वर्सेस एजाज खान का कॉन्ट्रोवर्सी आपको पता होगा, एल्विस यादव एंड रजत दलाल गए थे मुंबई एंड उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया था एजाज खान को चैलेंज करते हुए कि हमसे सॉरी बुलवा के दिखाओ, इसके बारे में तो आपको पता होगा। इसके बाद एजाज खान का कॉन्ट्रोवर्सी हुआ राजवीर सिसोदिया के साथ। तो क्या होता है, रिसेंटली एजाज खान एक रील पोस्ट करते हैं जहाँ पे हिंदू मुस्लिम कॉन्ट्रोवर्सी से रिलेटेड वो बात करते हैं। तो उसी के नीचे एक बंदा कॉमेंट करता है एल्विस के कितने बाप एंड वो उंगली वाला इमोजी देता है दिखाते हुए कि जितने इस कॉमेंट पे लाइक करोगे उतने एल्विस यादव के बाप। तो उसका एजाज खान हंसने वाला इमोजी रिप्लाई करते हैं। फिर किसी ने कॉमेंट किया था राजवीर सिसोदिया से रिलेटेड, भाई लोकेशन मिला उसका, तो एजाज खान रिप्लाई करते हैं भाग गया छोटे एंड दिल वाला इमोजी। लेकिन आपको पता होगा कल मैंने अपने वीडियो में बताया था राजवीर सिसोदिया बताया कि वो फिर से मुंबई जाने वाला है। कॉन्टेक्स्ट के लिए आप मेरा कल का वीडियो जाके देख सकते हो। ऑल्सो गाइज, एल्विस यादव प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को एक रिक्वेस्ट की। आपको पता होगा कल मैंने अपने वीडियो में बताया था बांग्लादेश में अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे जगहों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए 30% कोटा रिजर्वेशन है जो कि 1971 वार वेटरन्स के फैमिलीज को दिया जाता है। तो उस चीज को हटाने के लिए ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। बता दूं प्रोटेस्ट हर जगह इतना ज्यादा हो रहा है कि बहुत सारे लोगों का डेथ हो चुका है। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स कुछ हिंदू लोगों को भी अटैक किया जा रहा है। रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था बांग्लादेश के रंगपुर टाउन में जहां पे प्रोटेस्टर्स ने दो हिंदूस को मारा था जिनमें से एक थे हिंदू अवामी लीडर हरधन रॉय एंड एक थे उनके नेफ्यू। तो इस चीज को लेकर एल्विस यादव प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को रिक्वेस्ट किए, वो कहे एज देयर आर सेवरल इंस्टेंसेस ऑफ हिंदूस बीइंग अटैक्ड इन बांग्लादेश, आई रिक्वेस्ट नरेंद्र मोदी जी टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ हिंदूस लिविंग देयर। यहां पे बता रहे हैं बांग्लादेश से ऐसे कुछ रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि हिंदूस के ऊपर अटैक किया जा रहा है, तो रिक्वेस्ट करते प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को उनका सेफ्टी का ध्यान रखने के लिए ताकि और हिंदूस के ऊपर ना हो। और जो अभी तो रिपोर्ट्स आ रहे हैं जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने रिजाइन कर दिया एंड बांग्लादेश भी वो छोड़ चुकी है। तो इससे आप समझ सकते हो कितना ज्यादा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ध्रुव राठी जी के ऊपर रिएक्ट करते हुए लिखे बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर हैज नाउ रिजाइंड एंड लेफ्ट द कंट्री, वॉच दिस वीडियो टू अंडरस्टैंड द फुल रीजन बिहाइंड ऑल दिस एंड वो अपना न्यू वीडियो का लिंक शेयर किए जहां पे उन्होंने बांग्लादेश में अभी जो सिचुएशन चल रहा है उसके बारे में एक्सप्लेन किया है। और जो ध्रुव राठी का एक 4 साल पुराना वीडियो को सहजाद शेयर करते ट्विटर पर एंड लिखते हैं जोकर ऑफ द सेंचुरी। उस वीडियो में वो बात कर रहे होते बांग्लादेश के बारे में, दिखा तो वो वीडियो आप देखिए। बांग्लादेश कई पैरामीटर्स में इंडिया को पीछे छोड़ चुका है या छोड़ने वाला है। बांग्लादेश एक बहुत बड़ा पॉजिटिव एग्जांपल सेट कर रहा है आज के दिन अपने नेबरिंग कंट्रीज पे कि कैसे रियलिटी में डेवलपमेंट करी जाती है। बांग्लादेश में रहने वाले लोग ऑन एवरेज इंडियन से ज्यादा खुश हैं। तो उसका ध्रुव राठी शहजाद को रिप्लाई करते हैं, लिखते हैं ये 4 साल पुराना वीडियो है, मैंने जो कुछ भी कहा उस वीडियो में वो एक्यूरेट था उस समय पे ऑन द लेटेस्ट डेटा। तुम अपना ही स्टुपिडिटी प्रूव कर रहे हो इस वीडियो को शेयर करके आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड अपने ही फॉलोअर्स को मिसलीड कर रहे हो। और जो ध्रुव राठी की बात हो रही है तो बात करते हैं उनके ही बारे में। तो ध्रुव राठी को एक चीज की वजह से काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है स्पेशली ट्विटर पर। तो इंडियन बैडमिंटन प्लेयर लक्ष्य सेन के बारे में आपको पता होगा, वो सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं ओलंपिक्स 2024 के। थोड़ी देर बाद उनका मैच है मलेशिया के एक प्लेयर के साथ। तो रिसेंटली जब उन्होंने चाइनीज बैडमिंटन प्लेयर को हरा के सेमीफाइनल में पहुंचे वो मैच देखने ध्रुव राठी भी गए थे। इसके बाद उन्होंने एक ट्वीट कर दिया था, व्हाट एन एक्सपीरियंस वाचिंग लक्ष्य सेन प्ले लाइव, गुड लक फॉर हिज नेक्स्ट मैच, वेरी गुड चांस ऑफ विनिंग ए मेडल। तो जो उन्होंने यहाँ पे स्पेलिंग लिखा ना लक्ष्य सेन, वो उनका नाम का स्पेलिंग नहीं है, उनका नाम लक्ष्य नहीं है, उनका नाम है लक्ष्य सेन। यहाँ पे ध्रुव राठी ने लिखा LAKSHAY जबकि स्पेलिंग LAKSHYA। तो इस वजह से ध्रुव राठी को काफी सारे लोग ट्रोल कर रहे हैं। आपको पता होगा ध्रुव राठी कई बार एल्विस यादव को ट्रोल कर चुके हैं उनको अनएजुकेटेड अनपढ़ गवार बोल के। तो ये भी एल्विस यादव के काफी सारे फैंस ध्रुव राठी का ये ट्वीट को शेयर कर रहे हैं, ध्रुव राठी को अनएजुकेटेड गवार एंड अनपढ़ बोल रहे। रैंडम सेना भी एक ट्वीट किए थे, ये दूसरों को गवार का सर्टिफिकेट बांटते रहते भाई साहब, खुद का लक्षण देख लो। और जहां पे ओलंपिक्स की बात हो रही है तो बात करते हैं इंडियन हॉकी टीम के बारे में। तो इंडियन हॉकी टीम ने इंग्लैंड को हरा के सेमीफाइनल पहुंच चुके हैं। यस, पहले तो वो मैच ड्रॉ हुआ बाय 1-1, इसके बाद पेनल्टी शूट आउट होता है जहां पे टीम इंडिया 4-2 से जीत जाते हैं। अब सेमीफाइनल में इंडिया खेलेंगे जर्मनी के अगेंस्ट में। अगर तो इंडिया जर्मनी को हरा के फाइनल में पहुंचते हैं तो ऐसा होगा पहली बार इन 44 इयर्स। जब टीम इंडिया ने इंग्लैंड को हराया तो कमेंटेटर सुनील तनेजा बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते जब वो कमेंट्री कर रहे थे। वो बार बार रिपीट करते भारत सेमीफाइनल जा रहा है, भारत सेमीफाइनल जा रहा है। वो वाला वीडियो जो है काफी ज्यादा वायरल जा रहा है। ऑल्सो ओलंपिक्स की बात करते बहुत ही वायरल न्यूज के बारे में, ये न्यूज रिलेटेड
रिस्पेक्ट टू यूएसए के एथलीट नोआ लाइल्स के बारे में, जिन्होंने ओलंपिक्स के 100 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीत लिया। वहीं दूसरी तरफ जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता जो सेकंड नंबर पर आए, जमैका के किसेन थॉमसन, उन्होंने भी वो 100 मीटर रेस 9.79 सेकंड में कंप्लीट कर लिया था। तो यूएसए के नोआ लाइल्स को गोल्ड मेडल क्यों मिला? तो बता दूं, जो यूएसए के नोआ लाइल्स है वो 100 मीटर रेस 0.005 सेकंड्स पहले कंप्लीट किए। यस, जो यूएसए के प्लेयर है उन्होंने कंप्लीट किया 9.79.784 सेकंड्स में, एंड जो जमैका के प्लेयर है उन्होंने कंप्लीट किया 9.79.789 सेकंड्स में, 0.005 मिली सेकंड्स का डिफरेंस। भाई आप जब ब्लिंक भी करते हो आंख तब भी आपको 100 मिली सेकंड्स लग जाते हैं, एंड यहाँ पे यूएसए के प्लेयर ने 5 मिली सेकंड्स पहले वो रेस कंप्लीट करने की वजह से गोल्ड मेडल जीत गए। तो वही अभी ये न्यूज काफी ज्यादा वायरल जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं, एमएस धोनी के बारे में। तो एमएस धोनी मिले फॉर्मर इंडियन ऑलराउंडर जोगिंदर शर्मा से, जो कि अभी भी फेमस है फॉर बॉलिंग द मैच विनिंग फाइनल ओवर इन द 2007 आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप। यस, उन्होंने 2007 आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में लास्ट ओवर किया था एंड वो मैच विनिंग ओवर था। अभी करंटली वो हरियाणा के डीएसपी है। उन्होंने 2003 में क्रिकेट के सारे फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया था। वो भाई पिछले 12 साल से एमएस धोनी से नहीं मिले थे एंड वो मिले एंड वो कुछ फोटोज पोस्ट किए एंड लिखे, गुड टू सी यू माही आफ्टर लॉन्ग टाइम, इट वॉज नाइस टू मीट माही आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, द फन ऑफ मीटिंग यू आफ्टर ऑलमोस्ट 12 इयर्स वॉज डिफरेंट टूडे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं, एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी अमिताभ बच्चन जी की ग्रैंड डॉटर नाव्या नवेली नंदा के बारे में। तो एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी नाव्या नवेली नंदा पिछले 2 साल से डेट कर रहे एंड रिपोर्टेडली वो दोनों का 1.5 महीना पहले ब्रेकअप हो चुका है। नाव्या नवेली नंदा बता दो एक एंटरप्रेन्योर है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के हिसाब से वो दोनों को अपने रिलेशनशिप में कोई फ्यूचर नहीं दिख पा रहा था, इसलिए वो दोनों ने ब्रेकअप कर लिया। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके पापराजी के बारे में। आपको पता होगा बहुत सारे एक्ट्रेसेस का ये कंप्लेंट रहता है कि बहुत सारे जो पैप्स रहते हैं वो एक्ट्रेसेस के बैक को जूम करके अपलोड करते हैं जिससे उनको ज्यादा लाइक्स एंड ज्यादा व्यूज आए। बहुत सारे एक्ट्रेसेस को ये चीज पसंद नहीं आता है, वो इसके बारे में कई बार बता भी चुके हैं, लेकिन एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला को इससे कोई दिक्कत नहीं है। वो इसी के बारे में रिसेंट एक पॉडकास्ट में बात की, वो क्या कही आप देखिए। नहीं, मैंने ना एक आपकी एक रील देखी थी जहाँ पे आप और पराग भाई दोनों साथ में थे, आपका झुमका गिरा तो आप झुक के उठाने वाले थे, तो इतने में कैमरा पैन होता है आपकी पे। तो भाई ने देख लिया, ये भाई को कुछ फील हुआ कि तू झुक मत, भाई ने झुमका उठाया और उन्होंने आपको दिया। तो आपका क्या कहना है इस बारे में कि ऐसे जो एस पे फोकस कर देते हैं? आई डोंट माइंड, आई वर्क ब्लडी हार्ड ऑन माय जितना मैं स्कॉट मारती हूँ तो थोड़ा अच्छा दिखे, आई डोंट माइंड। सुपर्ब, सही है, सही है। फॉर देयर दैट इज पराग इज देयर नो टू कवर मी एंड माय एंगल्स, बट एक्चुअली आई टेल यू वन थिंग, वो डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होते पैप्स बिल्कुल, यू नो कहते हैं एस्थेटिकली व्हाटएवर, बट आई डोंट माइंड, आई एम इन द शो बिजनेस यार, कम ऑन, हु एम आई किडिंग एंड व्हाट एम आई वर्किंग सो हार्ड फॉर। हां सही बात है, बढ़िया बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं रचित्रू के बारे में। तो रचित्रू रिसेंटली कई सारे रेस्टोरेंट कैफेज में गए फॉर जॉब। कुछ महीने पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था ये बताते हुए कि मुझे इच्छा है कि मैं कुछ महीने तक वेटर बन के काम करूं, पैसों के लिए नहीं बट ऐसे। तो उसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखे, मैंने यूट्यूब से 1 महीने के लिए ब्रेक लिया, उस दौरान मैंने सोचा रेस्टोरेंट्स एंड कैफेज में वेटर का काम करने का, इसलिए मैं जॉब ढूंढने निकल गया, लेकिन हर एक कैफे ने बोला उनके पास कोई वेटर पोजिशन का जॉब नहीं बचा। आई स्वेयर टू गॉड आज रियलाइज हुआ ये जॉब भी लेना हार्ड है, बट लेट्स सी आई विल ट्राई फ्यू मोर कल। अब लेट्स सी भाई उनको रेस्टोरेंट या कैफे में वेटर का जॉब मिलता है कि नहीं, जो कि वो करना चाहते हैं ये खाली टाइम में जब उन्होंने ब्रेक लिया यूट्यूब से। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं एक्ट्रेस आहना एस कुमरा के बारे में। तो ये काफी ज्यादा गुस्सा है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से, जिनको टीवी इंडस्ट्री में या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर काम मिल रहा है उनके ज्यादा फॉलोवर्स होने की वजह से। इनका बता दो 10 साल कंप्लीट हो चुका है हिंदी इंडस्ट्री में। इन्होंने एक टीवी शो युद्ध से अपना करियर स्टार्ट किया था जिसमें अमिताभ बच्चन जी थे। इसके बाद इन्होंने कई सारे फिल्में भी कर रखे हैं, लिपस्टिक अंडर माय बुर्का, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, इंडिया लॉकडाउन एंड सलाम वेनकी। वो कहते हैं जब मैंने स्टार्ट किया था अपना करियर उस टाइम पे ये प्रेशर नहीं था कि सोशल मीडिया पे रील्स पोस्ट करना है, डांस वीडियोस पोस्ट करना है। आजकल बहुत सारे कास्टिंग होते हैं इंडस्ट्री में ऑन द बेसिस ऑफ सोशल मीडिया फॉलोअर्स। आज के टाइम पे काम मिलना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है, यहाँ तक कि फिल्म मेकर्स जिनके साथ आप काम करना चाहते हो वो भी अभी उनको काम दे रहे हैं जिनके ज्यादा सोशल मीडिया फॉलोअर्स है। यहाँ पे वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को बताती है सोशल मीडिया क्लाउड, द सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स। ऑल्सो बताती है अभी एक्टर्स कंफ्यूज्ड है कि क्या उन्हें रील्स या फिर डांस के वीडियो सोशल मीडिया पे पोस्ट करके इन्फ्लुएंसर बनना चाहिए काम पाने के लिए। वो भी कंफ्यूज है कि क्या वो सोशल मीडिया पे अभी चिल्लाना स्टार्ट कर दे या फिर मिमिक्री करना चालू कर दे किसी का, या फिर दिल्ली की आंटी जैसा बन जाए, क्या इस तरीके से लोगों को इंडस्ट्री में काम मिलेगा? वेल, क्या सोचते हैं आप लोग इसके बारे में कमेंट करके जरूर से बताना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके जाकिर खान के बारे में। जाकिर खान का अपना खुद का शो आ रहा है टीवी पर, वो शो का नाम है आपका अपना जाकिर, जो कि स्टार्ट हो रहा है 10 अगस्त से सैटरडे संडे रात के 9:30 बजे आपको सोनी टीवी पर वो शो देखने को मिल जाएगा। उस शो के फर्स्ट एपिसोड का वो ट्रेलर भी
भी अपलोड कर दिए जहाँ पे गेस्ट है करण जौहर। अगर तो आप वो ट्रेलर देखना चाहते हो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके पुणे के एक बिजनेसमैन के बारे में जिनके पास एक लाइसेंस्ड गन था। तो वो क्या करते पुणे के एक रेस्टोरेंट में ओपन फायर कर देते वॉल में। क्यों? इसका रीजन कुछ भी नहीं है, शो ऑफ के लिए, जिस वजह से वहाँ पे पैनिक क्रिएट हो जाता है, लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वेल अभी वो बिजनेसमैन को अरेस्ट कर लिया गया एंड शायद से उनका भी का लाइसेंस को भी रद्द किया जाएगा। तो बस आजकल बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।